प्राय सीसीटीवी, मेक इन इंडिया सर्विलांस ब्रांड, कलर नाइट विजन, आईपी और सीसीटीवी सॉल्यूशन, लोकल सर्विस सेंटर के साथ वृंदावन कॉम्प्लेक्स। पदम नगर थाने का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगे। लंबे समय से इसके उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन सोमवार को उद्घाटन के साथ ही अब थाना नए भवन में लगने लगेगा। तो बताइए, पदम नगर थाने का कल उद्घाटन होने जा रहा है, किस तरह का प्रोग्राम होगा कल? कल जैसा कि सबको विदित है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भोपाल में आ रहे हैं और उनके द्वारा वर्चुअली कई थाने भवन का, अलग अलग जिलों में थाने भवन का, जो कॉलोनी पुलिस कॉलोनीज बनी उनका, और कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स में जो सुविधाएं उसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। उसी तारतम्य में हमारे ज़िले के पदम नगर थाना जो नवनिर्मित बिल्डिंग्स की बनी है, इसका उद्घाटन उसमें किया जाएगा, जिसमें हमारे ज़िले के सभी ज़्यादा जनप्रतिनिधि जो भी यहाँ पर रहेंगे वो रहेंगे, साथ ही हमारे पुलिस का स्टाफ और कुछ परिजन भी इसमें सम्मिलित होंगे और एक नई सौगात यहाँ के इस क्षेत्र को मिलेगी, एक नया नवनिर्मित बढ़िया थाना भवन जैसा कि था। अभी तक हमारी थाना बहुत ही खराब बिल्डिंग में चल रहा था, अब ये नई बिल्डिंग से हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो भी ज़्यादा उत्साह से कार्य कर पाएंगे। यातायात सप्ताह भी कल दिनांक से इसको स्टार्ट करें, 7 दिन के लिए चलेगा और जैसा कि हम सभी नागरिकों से पहले भी अपील करते आए, अभी भी अपील करते हैं कि यातायात के नियमों का जितना हम पालन करेंगे उतना खुद को सुरक्षित रखेंगे, जितना हम जागरूक होंगे अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे और जो भी अभी तक जितना भी हमने एक्सपीरियंस देखा है, जिसने भी यातायात नियमों का 100% पालन किया है, उसको कहीं से भी किसी तरह से एक्सीडेंट या किसी चीज़ में किसी प्रकार की उसको हानि नहीं हुई है। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि यातायात के नियमों का पालन करें, अपने को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।